एडिटर हो या एडिटर में आप आना चाह रहे हो, तो आपको ये पांच चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास होना चाहिए। या आप नहीं है तो आप लोग ये पांच चीज़ में आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। जो आप एडिटर बनना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये क्या पांच चीज़ें, ये इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आशीष गाइस। पहला डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा कि आपको क्या क्या आपको लेना है ये पाँचों चीज़ का। अंदर 2000 के अंदर आपको सारा लिंक मिल जाएगा। आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में है, वो आप लिंक से आप परचेज कर सकते हो। फर्स्ट है आपका हेडफोन, जो कि आपका सबसे ज़्यादा रोल है। वीडियो एडिटिंग करते हो या गेमिंग करते हो, इसलिए आपको दिन भर आपको हेडफोन लगा के रखना होता है। और साउंड भी अच्छा होना चाहिए, प्लस उसमें माइक होना चाहिए। जैसे आप लाइव स्ट्रीम करते हो या कोई वॉइस रिकॉर्ड करते हो, तो उसमें हेडफोन में अच्छा रिकॉर्ड हो आपका, तो उसके लिए आपको कम्फर्टेबल फोन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें आपने तो ईयरबड्स भी ले सकते हो, ऐसा वाला, जो कि ये भी कम्फर्टेबल, ये भी अंदर 1000 के अंदर आ जाता है। एक साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बनाने से लेकर रिकॉर्ड से लेकर एडिट करने तक कंफर्टेबल भी बहुत अच्छा लगता है। और आपका साउंड क्वालिटी भी इसका अच्छा है, ये भी आप ले सकते हो। हेडफोन नहीं लेना चाहते हो तो कीबोर्ड भी एक अच्छा ले सकते हो। अंदर 1000 के अंदर बेस्ट कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहाँ से वो लिंक लो। कीबोर्ड भी अच्छा है, वो मेरे पास अभी तो नहीं है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप बीरोल में आप देख ही सकते हो कि कौन सा कीबोर्ड आपके लिए अच्छा है। तो एक कीबोर्ड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल करता है वीडियो एडिटिंग गेमिंग करने के लिए। और तीसरे पे आता है माउस, जो कि आप गेमिंग माउस ले सकते हो, आप वायरलेस भी माउस ले सकते हो या फिर वायर वाला भी माउस ले सकते हो, अपना कंफर्टेबल पे है। ये पूरा जो गेम है आपका, ये पूरा खेल आपका माउस के अंदर है। माउस एक अच्छा होना चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो आप एक माउस भी परचेज कर सकते हो। ये तीन चीज़, चौथा चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है आपका हार्ड डिस्क, जो कि आप हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो उसके लिए बैकअप बना, प्रोजेक्ट देता तो उसका बैकअप बनाने के लिए आपको हार्ड डिस्क होना जरूरी है। क्योंकि आप सिस्टम में रखते हो, क्रैश हो गया या सिस्टम ख़राब हो गया, तो वो आपका बैकअप जो आपकी है उससे बचता है। तो आप हार्ड डिस्क में आप सारा चीज़ इंस्टॉल कर सकते हो, बैकअप बना सकते हो। तो आपको हार्ड डिस्क लेना बहुत कर सकते हो, इसलिए सिस्टम में ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो, वो लिमिटेशन होता है। हार्ड डिस्क लेते हो तो आप ज़्यादा स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा लैपटॉप जो अच्छा स्मूथ, ज़्यादा मेन चीज़ जो है आपका लैपटॉप या सिस्टम आप बना रहे हो, उसमें क्या ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर है वो आप देख सकते हो। मेरे में जो RTX 350 लगा हुआ है, इसमें 16 GB रैम भी है। जिसमें कि लैपटॉप लेते हो तो आपको गेमिंग लैपटॉप लेने से आपका दो फायदा है कि आप उसमें गेमिंग वीडियो भी बना सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, प्लस आप वीडियो एडिट का भी जॉब या स्किल सीखना चाहते हो उसके लिए भी आप सीख सकते हो गेमिंग लैपटॉप में। तो उसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको मेरा लैपटॉप में जितना प्रोसेसर है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लैपटॉप का लिंक, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। आपके पास ये पाँचों चीज़ हो जाएगा तो आप गेमिंग और यूट्यूबर आराम से आप कर सकते हो। ये कम से कम इन्वेस्ट में आप ये पाँच चीज़ आप लोग को नीड है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये लिस्ट में तो नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपका एक पानी का बोतल आपका डेस्क में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप घंटों तक काम करते हो, पूरा दिन आप रहते हो, तो आपको पानी का नीड पड़ता है। इसके अलावा आप SSD लगा सकते हो, जो कि आपका हार्ड डिस्क से ज़्यादा फास्ट और इनफ फास्ट होता है SSD, जो कि आप डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है, काम फास्ट होगा SSD स्टोरेज के लिए भी। नया सेटअप तैयार कर रहे हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग का लाइन में जा रहे हो, तो ये आप पांच चीज़ खरीद सकते हो। तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप ले रहे हो परचेज कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। इस टाइप का आपको वीडियो देखना है तो कमेंट कर सकते हो, आपको हम और इस टाइप का वीडियो